Hi everyone, welcome to another video of number series which is brought to you by KettleMind. So KettleMind is a one-stop solution for different exams and brain training. हम इस वीडियो में एक नया कंसेप्ट शुरू करेंगे नंबर सीरीज का जो कि है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज का. इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज बेसिकली कॉन्टिन्यूशन है सेम नंबर डिवीजन सीरीज का. बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है जो कि इसके नाम में है इंक्रीजिंग ऑर्डर का. तो हम इसके तीन स्टेप्स पढ़ेंगे इस कंसेप्ट में पहले, उसके बाद दो एग्जाम्पल्स करेंगे फॉलोड बाय दो क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि वो एग्जाम में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन हैं तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को. तो शुरू करते हैं, पहले तो ये तीन स्टेप पढ़ते हैं. ये तीन स्टेप कहना क्या चाहते हैं? पहला स्टेप कहता है कि जो हमारे पास गिवन सीरीज है उसमें फर्स्ट टर्म को डिवाइड करो सेकंड टर्म से, सेकंड टर्म को डिवाइड करो थर्ड टर्म से, थर्ड टर्म को डिवाइड करो फोर्थ टर्म से एंड सो ऑन, जितने लास्ट टर्म तक डिवाइड करते रहेंगे एंड जो क्वेश्चन आएंगे वो हम नोट डाउन करते रहेंगे. गिवन सीरीज एंड राइट द क्वेश्चन. एंड स्टेप टू में वो कहता है कि हम ये देखेंगे जो हमने क्वेश्चन नोट डाउन करे थे उसमें एक कॉन्स्टेंट इंक्रीज होगा. तो समझते हैं कैसे वो क्या कहना चाह रहा है. पहला टर्म जब मैंने डिवाइड किया दूसरे टर्म से तो मानिए मेरा क्वेश्चन आया दो, फिर मैंने उसी प्रकार दूसरे टर्म को डिवाइड किया क्वेश्चन दूसरे टर्म को डिवाइड किया टर्म थ्री से, अब मेरा क्वेश्चन आया तीन. तो आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन मेरा आया था दो, दूसरा क्वेश्चन आया मेरा तीन, इंक्रीमेंट हुआ ना यहाँ पे, इंक्रीज हुआ. तो वही कह रहा है कि देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज अमंग द क्वेश्चन. कॉन्स्टेंट इंक्रीज से कहने का मतलब कि अगला क्वेश्चन भी यहाँ चार आएगा. पहला इंक्रीमेंट, पहला क्वेश्चन था दो, अगला आया तीन और उसके अगला आएगा चार. तो एक कॉन्स्टेंट इंक्रीज है ना, एक ये वो कहना चाह रहा है. और इसी के साथ फिर स्टेप थ्री में वो कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन इंक्रीज हो रहा था ये आप देखोगे ये फिक्स इंक्रीमेंट था. पहले तो उसने ये बताया कि कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चन में. फिर वो ये कहना चाह रहा है कि वो जो इंक्रीज हो रहा है वो एक फिक्स इंक्रीमेंट है. दो तीन चार देख लो, एक का डिफरेंस है, एक का फिक्स इंक्रीमेंट हो रहा है. तो वो ये कहना चाह रहा है अगर ये तीनों स्टेप्स जस्टिफाई हो जाते हैं, फॉलो हो जाते हैं तो गिवन सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज है. शायद ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी हम एग्जांपल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और ये स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे. अभी इन स्टेप्स को फ्लेवर समझने के लिए, कंसेप्ट का क्या फ्लेवर है उसको समझने के लिए पढ़िए एंड फिर मैं इसको जब क्वेश्चन के साथ लिखूंगा तब आपको और क्लियर हो जाएगा. तो आइए अब एग्जांपल्स की ओर चलते हैं. पहला एग्जांपल लेते हैं. पहली सीरीज है मेरे पास, पहली सीरीज में हम लेते हैं 10080 5040 1680 420 84 एंड 14 एंड देन दिस क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क हमने इवैल्यूएट करना है. वही तीन स्टेप है जो हमने फॉलो करने हैं अभी जो पढ़े हैं. स्टेप वन क्या कहता है रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप वन कहता है टर्म वन को डिवाइड करो टर्म टू से, टर्म टू को डिवाइड करो टर्म थ्री से एंड सो ऑन लास्ट टर्म तक एंड राइट द क्वेश्चंस, क्वेश्चन लिखो. वो ये कहता है स्टेप वन, ये कहता है. स्टेप टू कहता है कि हम देखेंगे कि क्वेश्चंस में इंक्रीमेंट हो रहा है. देयर इज एन इंक्रीमेंट इंक्रीज इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर की वैल्यू चेंज हो रही है. और स्टेप थ्री ये कहता है कि देयर विल बी एन कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट अमंग द क्वेश्चंस. ये इंक्रीज तो हो रहे हैं बट ये इंक्रीज भी कॉन्स्टेंट नंबर से हो रहे हैं. देयर इज अ कॉन्स्टेंट इंक्रीज अमंग द क्वेश्चंस. तो इसको आप उदाहरण से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इन स्टेप से, ठीक है. तो स्टेप वन पहले करेंगे. अब ये 10,080 जो है इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा 5,040 से तो मेरा क्वेश्चन क्या आएगा? मेरा क्वेश्चन आएगा दो, राइट. इसी प्रकार टर्म टू को मैं टर्म थ्री से डिवाइड करता हूं, 5,040 को मैं डिवाइड करता हूं 1,680 से तो मेरा क्वेश्चन आएगा तीन. इसी को आगे फॉरवर्ड करते हुए 1,680 को अगर मैंने डिवाइड किया 420 से मेरा क्वेश्चन आया चार, और 420 को मैंने 84 से करा तो मेरा क्वेश्चन आया पांच, और 84 को मैंने 14 से करा डिवाइड तो मेरा क्वेश्चन आया छः.
अब यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज देखने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है, जब हमने सेम ऑर्डर डिवीजन सीरीज, सेम नंबर डिवीजन सीरीज पढ़ा था तो ये जो सारे क्वेश्चन आ रहे थे डिवाइड करके ये सेम आ रहे थे, बट आप इधर देखो तो ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट का नाम है इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज, वो यहीं से आया है, वो यही है कि आप क्वेश्चन में इंक्रीमेंट देख रहे हो, इंक्रीमेंट इन क्वेश्चन देख रहे हो, है ना। और यही स्टेप टू कहता है कि जब हम डिवाइड करेंगे तो जो क्वेश्चन आएंगे उनमें इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट इन क्वेश्चन स्टेप टू ऑलरेडी कह दिया उसने। अब स्टेप थ्री देखते हैं, स्टेप थ्री कहता है कि ये जो इंक्रीज हो रहा था ये कॉन्स्टेंट इंक्रीज हो रहा था, यानी कि जब मैं दो से तीन पे गया तो मेरा इंक्रीमेंट हुआ एक का, इसी प्रकार मैं तीन से चार पे गया तो इंक्रीमेंट दोबारा एक का हुआ ना, चार से पांच पे गया दोबारा इंक्रीमेंट एक का हुआ, और पांच से छह पे गया दोबारा इंक्रीमेंट एक का हुआ, तो कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है क्वेश्चंस के बीच में, कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ प्लस वन अमंग द क्वेश्चंस, यही स्टेप थ्री कहता है कि हम देखेंगे। अब सारी चीजें जस्टिफाई हो गई स्टेप्स की, इस सीरीज की, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज ही बन गई। अब हम यहां रुकेंगे और हम बैक ट्रैक करेंगे क्वेश्चन मार्क को इवेल्युएट करने के। अब सिंस ये कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो छह पे एक इंक्रीमेंट करके आएगा जो कि सात होगा, यानी कि चौदह। अब वो ये पूछना चाह रहा है कि चौदह को मैं किससे डिवाइड करूं जिससे आंसर मेरा, जिससे मेरा क्वेश्चन सात आए, समझ आया। तो वही फॉलो करेंगे जो हमने अभी तक पढ़ा है, हम इस क्वेश्चन मार्क को, क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं एक्स। तो एक्स को जब मैंने सात से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया चौदह, है ना। अब इस एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं चौदह को डिवाइड करूंगा सात से, और एक्स की वैल्यू आ गई दो, और ये क्वेश्चन मार्क अब जो था ये रिप्लेस हो गया दो से। इसको वेरीफाई करते हैं, जब मैंने 14 को डिवाइड किया 2 से तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए ना, और आप देख रहे हो मेरा ऑलरेडी 7 आ गया है। तो ये समझ आया उदाहरण, मुझे उम्मीद है थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होगा, हुआ होगा इस क्वेश्चन से। एक और एग्जांपल से समझते हैं। अब मेरे पास सीरीज दे रखी है 600 600 300 100 25, और ये क्वेश्चन मार्क, वही तीन स्टेप है जो फॉलो करने हैं दोबारा से, उसी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा। टर्म वन को टर्म टू से डिवाइड करो, टर्म टू को टर्म थ्री से डिवाइड करो, एंड सो ऑन, एंड राइट द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस लिखते रहो साथ साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी गेमिंग उसी की है। फिर स्टेप टू पे आ जाता हूं मैं। स्टेप टू कहता है कि यू विल सी, आप देखोगे इंक्रीज इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस में आप इंक्रीज देखोगे। और फिर स्टेप थ्री कहता है कि इंक्रीज इन क्वेश्चंस, जो ये क्वेश्चन में इंक्रीज हुआ था, इंक्रीज इन क्वेश्चंस, क्वेश्चंस विल बी सेम और कांस्टेंट। ये कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, सेम नंबर से इंक्रीमेंट हो रहा है। इसको उदाहरण से समझते हैं दोबारा। स्टेप वन, 600 को 600 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया, एक आया। 600 को 300 से डिवाइड किया, क्वेश्चन क्या आया, दो आया। 300 को 100 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आया, तीन आया। और 100 को डिवाइड किया मैंने 25 से तो क्वेश्चन आया चार। वही पैटर्न जो फॉलो करना चाह रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज में, आप देख रहे हो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर अमंग द क्वेश्चंस। यही स्टेप टू कहता है कि यू विल सी इंक्रीज इन क्वेश्चंस, तो स्टेप टू भी हो गया मेरा फुलफिल। अब आते हैं स्टेप थ्री पे। स्टेप थ्री कहता है कि ये जो क्वेश्चंस आए ना, इनके बीच में भी एक कांस्टेंट इंक्रीमेंट है। अब देखो
जब मैं एक से दो पे गया, इंक्रीमेंट हुआ एक का, दो से तीन पे गया दोबारा इंक्रीमेंट हुआ एक का, और तीन से चार पे गया तो दोबारा इंक्रीमेंट हुआ एक का। तो आप देख रहे हो कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, कॉन्स्टेंट इंक्रीमेंट कितने का, प्लस एक का अमंग द क्वेश्चंस, है ना, आप देख रहे हो। अब हम यहीं पर रुक जाएंगे, तीनों कंडीशन हमारे स्टेप्स जस्टिफाई हो गए हैं, तो यहीं रुक जाएंगे और बैक ट्रैक करेंगे क्वेश्चन मार्क को इवैल्यूएट करने के लिए। अब इसी प्रकार अब ये जो सेम नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है तो चार में भी एक का इंक्रीमेंट होगा, चार में इंक्रीमेंट एक का होगा तो अगला क्वेश्चन पांच आएगा। अब वो ये कह रहा है कि मैं 25 को कौन से नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा जो क्वेश्चन है वो पांच आए, तो वही फॉलो करते जो अभी तक हमने पढ़ा है। क्वेश्चन मार्क को माना हमने एक्स, तो एक्स को मल्टीप्लाई किया पांच से और आंसर आ रहा है 25। तो x की वैल्यू है 25 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 5 ही है, तो x की वैल्यू होगी 5। ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गया 5 से। अब वेरीफाई करते हैं इसको, 25 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा 5, और आप देख रहे हो ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन आ चुका है 5। तो ये क्वेश्चन, ये जो हमने क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस किया 5 से, ये सही आंसर आया। मुझे उम्मीद है अब ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, काफी हद तक हमने बहुत अच्छे दो क्वेश्चंस करे हैं। अब इसके बाद हम दो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं दो क्वेश्चन से, तो देखते हैं सीरीज क्या दी हुई है। सीरीज दी हुई है 7200, 3600, 1200, 300, 60 और फिर ये क्वेश्चन मार्क। वही तीन स्टेप फॉलो करेंगे जो अभी तक हमने पढ़े हैं, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ इन स्टेप को डिटेल्स में अब, बट मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा जब मैं ये क्वेश्चन करूंगा। सबसे पहले मैं स्टेप वन करूंगा। स्टेप वन कहता है कि पहले टर्म को दूसरे टर्म से डिवाइड करो, दूसरे को तीसरे से करो, एंड ऐसे करते रहो जब तक पूरी सीरीज खत्म ना हो जाए, एंड क्वेश्चंस को लिखते रहो, क्वेश्चंस को लिखते रहो। तो 7200 को जब मैं 3600 से डिवाइड करता हूँ, 7200 को मैं 3600 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा 2, है ना। इसी प्रकार 3600 को जब मैं 1200 से डिवाइड करूंगा, 3600 को 1200 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा 3। 1200 को 300 से डिवाइड करने में मेरा क्वेश्चन आएगा 4, और 300 को क्वेश्चन 300 को डिवाइड करूंगा 60 से तो मेरा क्वेश्चन आएगा 5, राइट। तो आप एक चीज यहां पे देख रहे हो जो अभी हमने एग्जांपल में पढ़ी थी, ये जो सीरीज है क्वेश्चंस की, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गई है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। ये हमने जब सेम नंबर डिवीजन सीरीज पढ़ी थी उसमें ये क्वेश्चन सेम आते थे, बट इसमें आप देख रहे हो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर सीरीज बन रही है, तो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस हमें मिल रहे हैं। और यही स्टेप टू कहता है कि जब हम क्वेश्चंस लिख लेंगे फर्स्ट स्टेप के बाद, तो स्टेप टू में जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएंगे। अब स्टेप थ्री पे चलते हैं, अभी तक दोनों स्टेप हमारे वेरीफाई हो गए। स्टेप थ्री कहता है कि ये जो इंक्रीमेंट था ना, ये जो इंक्रीज था क्वेश्चंस का, ये इंक्रीज तो हुए ही थे, बट ये इंक्रीज है ना इन क्वेश्चंस के आपस में, ये कांस्टेंट इंक्रीज है। उससे वो क्या कहना चाह रहा है, अब आप देखो दो से मैं तीन पे गया तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, एक का इंक्रीमेंट हुआ। तीन से चार पे गया तब भी देखो ना एक का इंक्रीमेंट हुआ, और चार से पांच में भी एक का इंक्रीमेंट हुआ। तो ये वो कहना चाह रहा है कि ये कांस्टेंट इंक्रीमेंट हो रहा है, कांस्टेंट इंक्रीमेंट ऑफ प्लस वन अमंग द क्वेश्चंस, है ना, यही वो कहना चाह रहा ना, बिल्कुल। तो अब यहां हम रुकते हैं, हमारे तीनों स्टेप तो वेरीफाई हो गए यहां पे। अब इसको बैक ऑर्डर में ट्रेस करते हैं और क्वेश्चन मार्क को इवैल्यूएट करते हैं। अब सिंस इस इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो पांच पे एक का इंक्रीमेंट होगा जो कि 6 है। और अब वो क्या निकालना है हमें, अब हमें एक क्वेश्चन मार्क निकालने के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि 60 को मैं किस नंबर से डिवाइड करूं कि मेरा क्वेश्चन आए 6। तो मैं सपोज इस क्वेश्चन मार्क को मान लेता हूं x, तो अगर मैं x को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर आना चाहिए 60। और इस क्वेश्चन मार्क को इस x को अगर मुझे इवैल्यूएट करना, तो 60 बाय 6 करूंगा तो आंसर आ गया 10, तो x की वैल्यू आ गई 10। ये क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गया 10 से। अब मेरे को ये वेरीफाई करना है, तो आप देख रहे हो कि 60 डिवाइडेड बाय 10 में मेरा क्वेश्चन 6 ही आना चाहिए, और 6 ही आ रहा है, और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन भी है 10,
तो मेरा आंसर भी वेरीफाई हो गया। काफी क्लियर हुआ कंसेप्ट। एक और क्वेश्चन करते हैं, समझते हैं। अब देखो सीरीज क्या है। अब सीरीज दे रखी है 2160, 1080, 360, 90, फिर 18 और फिर ये क्वेश्चन मार्क जो हमें निकालना है। पहले तो स्टेप वन करते हैं। स्टेप वन कहता है कि टर्म वन को करो डिवाइड टर्म टू से, टर्म टू को डिवाइड करो टर्म थ्री से, एंड सो ऑन, जब तक पूरी सीरीज पे हम डिवीजन ना कर ले और उसके बाद हम क्वेश्चन लिख लें। तो जब मैं 2160 को 1080 से डिवाइड करता हूं तो मेरा क्वेश्चन आता है 2, है ना। अब 1080 को मैं 300 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन फिर से आएगा 3, फिर से नहीं आएगा, सॉरी 3 ही आएगा। और 360 को जब मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो मेरा क्वेश्चन आएगा 4। इसी प्रकार 90 को 18 से डिवाइड करने में मेरा क्वेश्चन आया 5। अब आप देख रहे हो वही चीज जो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर डिवीजन सीरीज। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। और यही स्टेप टू कहता है, है ना। और जब हमने सेम ऑर्डर डिवीजन सीरीज पढ़ी थी, सेम नंबर डिवीजन सीरीज पढ़ी थी, तो ये जो क्वेश्चंस थे सारे ये सेम आते थे। अब स्टेप थ्री पे चलते हैं। स्टेप थ्री कहता है कि ये जो इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चंस का, ये इंक्रीज तो हो ही रहा है, बट ये इंक्रीज जो है क्वेश्चंस के आपस में आप देखो तो ये कांस्टेंट इंक्रीज है। यानी कि जब मैं 2 से 3 पे गया तो मैंने 1 जोड़ा, इसी प्रकार जब मैं 3 से 4 पे गया मैंने फिर से 1 जोड़ा ना, तो आप देख रहे हो कांस्टेंट इंक्रीज हो रहा है क्वेश्चंस के बीच में भी, है ना। तो कांस्टेंट इंक्रीमेंट है। तो यही स्टेप थ्री कहता है कि कांस्टेंट इंक्रीमेंट और प्लस वन, जरूरी नहीं है प्लस वन हो, ये कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस टू हो सकता है, बट ये सारे सेम होंगे, प्लस वन अमंग द क्वेश्चंस। तो स्टेप थ्री भी मेरा जस्टिफाई और सेटिस्फाई हो गया। अब मैं यहां रुक जाऊंगा, मैं बैक ट्रैक करूंगा क्वेश्चन मार्क को इवेल्युएट करने के लिए। अब ये जो सेम नंबर है, सेम नंबर इंक्रीमेंट है, तो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो 5 पे 1 का इंक्रीमेंट होगा, यानी कि 1 ये, यानी कि 6, अगला क्वेश्चन 6 है। अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि 18 को मैं किससे डिवाइड करूं जिससे मेरा क्वेश्चन 6 आ जाए। अब मैं वही करता हूं जब हमने पढ़ा, मैंने क्वेश्चन मार्क को मान लिया x, x को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया और मेरा आंसर आना चाहिए 18। अब x को सॉल्व करने के लिए 18 को डिवाइड करना 6 से, आंसर आ गया 3, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 3, क्वेश्चन मार्क रिप्लेस हो गया 3 से। अब आप देख रहे हो कि वेरीफाई करने का तरीका भी है मेरे पास। 18 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं वैसे तो मेरा क्वेश्चन क्या आना चाहिए 6, और यहां पे आप देख रहे हो 6 है मेरे पास, तो वेरीफाई भी हो गया, आंसर सही है। और अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो सी ऑप्शन कहता भी है 3। तो मुझे उम्मीद है ये कंसेप्ट काफी क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत अच्छे 4 क्वेश्चंस करे, 2 उदाहरण में और 2 क्वेश्चंस में। इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह गया तो आप KettleMind की ऐप पे कभी भी विजिट कर सकते हैं, इस कंसेप्ट की वीडियो वापस से देख सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चंस वहां पे ऑलरेडी लिस्टेड है, वो आप ट्राई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्राई कर सकते हैं क्विज मोड में, जिधर आपको अपने आपको इवैल्यूएट करने का बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो इस फीचर को जरूर चेक आउट कीजिएगा। We are introducing KettleMind, which provides you with personalized brain training. Here's how it works. Practice 10 minutes every day. Track your progress over time. Play with friends and family and see where you stand. KettleMind has 25 fun and interactive learning games to improve your skills. As you play, you can track your performance on a daily basis. Additionally, you can challenge and compete with your friends and family on multiplayer. KettleMind helps you to increase attention span, process and retain information, learn and remember, as well as enhance reasoning and decision-making skills. Download from Google Play right now.